सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको 250 गज की कोठी दिखाने वाले हैं। प्लॉट डायमेंशन जो है वो 30x75 का है, 30x75 का प्लॉट का डायमेंशन है। लोकेशन सेक्टर 125 सनी क्लेव की रहने वाली है। खास बात क्या है, कोठी के अंदर आपको बेडरूम साइजेस, किचन का साइज, ये सब एलिमेंट्स पसंद में आने वाले हैं। 4-bedroom कोठी है, ग्राउंड फ्लोर पे 2 bedrooms, फर्स्ट फ्लोर पे 2 bedrooms, टॉप फ्लोर पे सर्वेंट रूम एंड वॉशरूम आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एलिवेशन पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, न्यूट्रल कलर्स को हमने यहाँ पे एलिवेशन में यूज किया है, बहुत ग्रैंड लुक आ जाएगा। ब्राउन, वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपको एलिवेशन का लुक देखने को मिलेगा। सरफेस लाइट्स भी हमने लगा दिया ताकि इवनिंग का जो लुक है, जो रात की ब्यूटी है ना घर की, वो भी काफी अच्छी लगे। स्लाइडर यहाँ पे गेट आ जाएगा और जैसे ही हम एंटर करेंगे पोच एरिया में आप देखेंगे बहुत अच्छा स्पेस है। SUV गाड़ी भी आप आराम से पार्क कर सकते हो और इस तरफ आगे हमारा 2-wheeler पार्किंग का स्पेस आ जाएगा, प्लस मोटर वर्क्स आ जाएंगे, अंडरवाटर टैंक आ जाएगा, ओवरहेड टैंक्स भी हमने रखे हुए हैं। तो बाहर के एक बार एलिमेंट्स आप चेक कर लीजिए, फिर हम कोठी अंदर से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ना, ऊपर भी सीलिंग पे यहाँ पे सिंपल ही रखा, पैनलिंग का काम किया है, सरफेस लाइट्स हैं, वेलकम वॉल पे भी हमने कुछ स्पेशल लुक यहाँ पे क्रिएट किया है। ग्रेनाइट स्टेपिंग के साथ एंटर कर गए हम कोठी की तरफ। बड़ा सा हमारा दरवाजा आ जाएगा ग्लास एंड वुडन वर्क के साथ। आइए जी, अंदर आपको थीम व्हाइट कलर में ज्यादा देखने को मिलेगी। डिजिटल लॉक इसी तरह आपको हम लगा के दे रहे हैं। तो आपके लेफ्ट तरफ हमारा ड्राइंग एरिया आ जाएगा, 13x14 का इसका साइज है। एंड यहाँ पे भी मेन वॉल को ना हमने वॉलपेपर से डेकोरेट किया है। पहले तो हमने फ्रेम्स बना दिए दोस्तों, फ्रेम्स के अंदर हमने वॉलपेपर्स लगाए हैं और फैंसी लाइट्स भी लगाई हैं। ऊपर फॉल सीलिंग पे आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग में भी एक सिंपल और बड़ा प्रैक्टिकल लुक आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ इस दीवार की तरफ अगर इस जगह हम फोकस लेके जाएंगे तो यहाँ ग्लास का एंड वुडन का वर्क आ जाएगा जो कि काफी अच्छा लगता है। आइए, अब इस तरफ हमारा बेडरूम नंबर 1 है जिसका जो साइज है 12x16 का रहने वाला है। आइए, तो यहाँ पे ना दोनों तरफ आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे, बड़ी सी विंडो मिल जाएगी, यहां आपका ड्रेसिंग सेक्शन हम आपको बना के दे रहे हैं, एम्पल स्टोरेज है। LED पैनल भी आपको व्हाइट एंड ब्लैक के थीम में मिल जाएगा। फॉल सीलिंग पे आप लुक देखेंगे तो फॉल सीलिंग पे हमने स्ट्रिप लाइट्स का भी काम किया हुआ है, कॉब लाइट्स का भी काम हम आपको करके दे रहे हैं। एंड उसी के साथ ये जो वॉशरूम कनेक्टेड है ना, ये कॉमन वॉशरूम की तरह हमारा जो है वो पर्पस सॉल्व करेगा। तो ये जो सेकेंड डोर है, ये वाली जो एंट्रेंस है वो गेस्ट के लिए रहेगी, गेस्ट वॉशरूम भी हमारा ये सर्व कर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा ना, यहाँ पे हम अपना डाइनिंग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा सा यहाँ पे LED पैनल आ जाएगा, ब्लैक और व्हाइट के शेड्स में है, स्टोरेज काफी ज्यादा है। नीचे भी आप देखेंगे ना, यहाँ 5 drawers आ जाएंगे और यहाँ भी हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। इसी के साथ अच्छा एक जो हाईलाइट है वो हमारी किचन बेस कोठी की, किचन का जो साइज है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं 14x15 की किचन है, प्लस 8 feet का पीछे एक्सटेंशन भी है जो कि हम बाद में भी देखते हैं। सबसे पहले एक बार स्टेयरकेस वाला एरिया भी देख सकते हैं, ये डुप्लेक्स है और यहाँ पे ऊपर हमने शैंडलियर लगा दिया है जो कि ओपन टू सनलाइट रहने वाला है और बहुत अच्छी इसकी ग्रेस आती है, मूनलाइट भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे कैमरा नीचे आएगा तो यहाँ आप देखेंगे इस एरिया को भी हमने डेकोरेट कर दिया है और यहाँ भी पीछे पैनलिंग का काम किया हुआ है ताकि जो लुक है वो अंदर से भी हमारी कोठी की बहुत ज़बरदस्त निकल के आए। यहाँ हमारा हैंड वॉश का एरिया आ जाएगा, बड़ा सा लुकिंग मिरर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा आगे आएंगे तो किचन में जाने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे हमने ना यहाँ पे क्रॉकरी कैबिनेट भी बना दिया, नीचे भी फिर हमारा स्पेस आ जाएगा प्रॉपर। 14x15 की हमारी ये किचन है, यू शेप किचन है, स्पेस बहुत अच्छा मिल जाएगा, एक बहुत ही प्यारे वे में हमारी ये ऑर्गेनाइज किचन रहने वाली है दोस्तों। नीचे से लेके ऊपर तक हर एक चीज़ के लिए ना प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। हाइड्रोलिक के काम के साथ यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगी, यहाँ देखिए कितना प्रॉपर हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, ड्राई पेंट्री का आप स्पेस देख सकते हो। यहाँ फिर हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी आ जाएंगे और यहाँ पे भी हमारी स्टोरेज आ जाएगी शटर के साथ। इस तरह फिर हमारा फ्रिज का स्पेस आ जाएगा दोस्तों। अब ये 14x15 का स्पेस तो है दोस्तों, अब यहाँ पे ना हमने एक तो लगा दिया स्लाइडर डोर, ठीक है जी, और यहाँ 8 feet का एक्सटेंशन आ जाएगा।
तो वेट किचन बेसिकली हमारी यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ हम इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ भी प्रॉपर जो है आपके कबर्ड्स आ जाएंगे, बड़े बड़े साइज के कबर्ड्स हैं, ये चीज नोटिस करने वाली है। आइए जी, अब देखते हैं बेडरूम नंबर सेकंड इस हाउस का। इस तरफ हमारा बेडरूम नंबर सेकंड आ जाएगा, साइज इसका 14x14 का, एक अच्छा साइज है, खुला डुला एरिया मिल जाएगा, सिंपल थीम में रखा हुआ, व्हाइट थीम में रखा हुआ है। आप ऊपर फॉल सीलिंग में देखेंगे डिजाइन पिछले रूम के मुकाबले थोड़ा सा चेंज आ गया। यहाँ पे हमने मिनिमल वर्क किया हुआ है वॉलपेपर का, थोड़ा सा वॉलपेपर का काम है फ्रेम के अंदर। वार्डरोब्स आप देखेंगे तो सभी रूम्स में बड़े बड़े वार्डरोब्स हैं, फुल हाइट फुल डेप्थ वाले हमारे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। साथ में हमारा ड्रेसिंग सेक्शन रहने वाला है जिसमें प्रॉपर स्पेस आ जाएगा, ओपन शेल्फ स्पेस भी है, ड्रॉर्स भी हैं। LED पैनल जैसा हमने पिछले रूम में चेक किया था दोस्तों। अब यहाँ पे पीछे हमारा वेड़े का स्पेस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक वॉशरूम का आप लुक चेक कर लीजिए, बहुत ही बड़े साइज का वॉशरूम मिल जाएगा, ब्रांडेड सैनिटरी यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। अभी काम पेंडिंग है सैनिटरी का, जो कि आपको पता है जब कोठी सेल होती है उसके बाद हम सैनिटरी का जो है वर्क करके देते हैं आपको। आइए वेड़ा पीछे वाला देख लेते हैं, वेड़े का स्पेस बहुत अच्छा मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो स्पेस है ये आगे तक आपका पूरा एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया भी बन जाएगा, और पीछे आप देखेंगे ना एंट्री मिल जाएगी आपको पार्क की, पीछे ऑलमोस्ट 3 कनाल के साइज का पार्क है, इसकी एंट्री भी हमें मिल जाती है। तो देखा जाए तो एक तरह से फैसिलिटी है ग्रीनरी एंजॉय करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर हमारा कवर हो गया, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आइए, तो स्टेयर्स से आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। स्टेयर्स में भी अभी ना यहाँ पे काम होना है, अभी यहाँ पे रेलिंग लगेगी, प्रॉपर लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे ब्लैक कलर के साथ हमने पैनलिंग का काम किया हुआ है, और ऊपर जो शैंडलियर है ना वो काफ़ी अच्छी ग्रेस प्रोवाइड कर देता है इस एरिया को। तो यहाँ पे हमारा लोबी एरिया आ जाएगा, एंड घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूजा स्पेस, इस तरफ हमारा आ जाएगा पूजा स्पेस, पूजा कॉर्नर हमारा प्रॉपर यहाँ पे बन जाएगा, और इसी के साथ हमारा स्टोर आ जाएगा दोस्तों। तो कवर्ड स्टोरेज भी घर के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। फिर पार्टीशन है, और जैसे नीचे देखा था इस तरफ हमने ड्राइंग एरिया रखा हुआ है, इस तरफ हमारा बेडरूम नंबर थर्ड आ जाएगा। बेडरूम नंबर थर्ड 12x16 के साइज के साथ रहेगा, एक क्विक लुक आप चेक कर लीजिए, इसके साथ कनेक्टेड वॉशरूम रहने वाला है। यहां भी सारा ब्रांडेड फिटिंग्स का काम दोस्तों आपको करके दिया जाएगा। आइए आपको फ्रंट बालकनी दिखाते हैं। फ्रंट बालकनी का ना एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि 250 गज की कोठी है, और यहाँ पे बहुत वाइड बालकनी हमें मिल जाएगी। ऊपर पैनलिंग का काम है प्रॉपर, सीलिंग पे अच्छा काम हो रखा है, लाइट्स अच्छी लगी हुई हैं, तो यहाँ जब एक बड़ा टेबल लगा के फैमिली के साथ हम आराम से बैठ सकते हैं, और जो मौसम है वो एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, एक अच्छी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब चलते हैं बेडरूम नंबर फोर्थ देखते हैं। इस तरफ फिर बेडरूम नंबर फोर्थ आ जाएगा, साइज जो है इसका 14x16 का है, इस हाउस का सबसे बड़ा बेडरूम साइज जो है वो इस बेडरूम को मिलता है जी। सिंपल डिजाइन रखा है, बहुत प्रैक्टिकल डिजाइन रखा है। बाकी जो भी इस घर में आएगा वो अपने एलिमेंट्स के हिसाब से भी सजाएगा। बड़ा सा वॉशरूम कनेक्टेड आ जाएगा, चलिए अब देखते हैं हमारा पीछे वाला स्पेस। तो पीछे वाली बालकनी जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, बहुत बड़े साइज के साथ है, और यहाँ से फिर जो हमारा पीछे पार्क है उसकी भी ग्रीनरी हमें मिल जाती है, ग्रीनरी का भी मज़ा मिलता है प्रॉपर। ये आगे तक प्रॉपर स्पेस जा रहा है, घूम रहा है, आप एक बार कैमरे में देख लीजिए। आइए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं जहाँ हमारा सर्वेंट रूम आ जाएगा। तो 250 गज का हाउस है, और छत भी काफी बड़ी मिल जाएगी दोस्तों।
बाकी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, इंक्वायरीज के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारे पास 100, 150, 200, 250 गज सभी साइज़ में बहुत सुंदर हाउसेज जो हैं वो तैयार है। इन्वेंट्रीज हमारी रेडी हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हमारा सर्वेंट रूम का एरिया आ जाएगा। तो सर्वेंट रूम का जो भी एरिया है वो काफी अच्छा हमें मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ बाहर हमारा अटैच वॉशरूम रहने वाला है दोस्तों। इस तरफ हमारा वॉशरूम का स्पेस आ जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंक्वायरीज के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूँ। बाकी की जो जानकारी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सत श्री अकाल दोस्तों।